वाले गिफ्ट ले भाई। एक मिनट रुक जाइए, बोलो। शेयर नहीं होगा। इसमें जो है मोस्टली हैंड टूल्स और पावर टूल्स है हमारे पास, जैसे कि रूरकी लकड़ी को काटने में काम आते हैं ना, रूरकी ड्रिलिंग। ऐसे कोई भी पैटर्न आपको प्रिंट करना हो ना, मतलब आप पहले इस पर बना देते हो, डिज़ाइन कर देते हो और फिर इसको इंस्ट्रक्शन दे दो कि ऐसा कुछ आपको ये जो यहाँ देख रहे हो वो यहाँ पर बना दो, तो ये ऐसा बना देता है। देखना हो सबको तो एक बार देख लो। ये भी किसी को देखना है, जब नॉर्मल 2D प्रिंटिंग से काम करते हैं तो कंप्यूटर पे सपोज एक पेज टाइप कर लिया, उसके बाद उसे एक पेज पे प्रिंट करते हैं। सो उस पेज का क्या है, लेंथ है, ब्रेथ है, मतलब उस पेज का लंबाई और चौड़ाई होगा, उसका ऊंचाई का कुछ नहीं होगा, ठीक है। इस केस में क्या हो रहा है कि जो हमारा इंक है उसको हमने प्लास्टिक से रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। तो हम लोग जो प्रिंट करेंगे उसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होगा, ठीक है। सो आप जो देख सिलेंडर बनाना है, ठीक है। सो सिलेंडर बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ढेर सारे गोले लूँ जिनका हाइट बहुत कम है और उसमें से स्टैक कर दूँ, जैसे CD का डब्बा होता है, 500 CD लेके उसको ऐसे स्टैक कर दूँ एक सिलेंडर। इसका मटेरियल पॉलीलैक्टिक एसिड सिफर होता है, जिससे एक्सीडेंट नहीं होता मशीन के बीच में और जॉब के बीच में, क्योंकि हमें जैसे ये बिट है इसका जो RPM होता है वो सेट करना पड़ता है, अदरवाइज क्या होगा बिट आपकी टूट जाएगी। तो वो इतने महंगे टूल आते हैं, बहुत महंगे महंगे टूल्स आते हैं। तो कुछ सर ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ड्रिल हैंड ड्रिल प्रेस, ड्रिल हाथ से करते हैं, ड्रिल हाथ से, मतलब ऐसे से घुमाएंगे इसको फिर यहाँ पे हम करेंगे और कनेक्शन से चलते हैं, RPM पे घूमते हैं और ऐसे से हमको इसी चलते हैं।